हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चिंगलियों को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पुराने एपिसोड्स जो मेरे प्रीवियस चैनल पर थे वो डिलीट हो चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें फिर से बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन चारों को उसी लॉन्ज में रुकना पड़ता है। हावड़ा लुली से कहता है कि तुम बिस्तर पर सो जाना और मैं नीचे सो जाऊंगा। तो लुली कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए दूसरा रूम देख लूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। गेट खोलते ही लुली को वही एग्जामिनर दिखाई देता है जो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों हर वक्त क्यों लड़ते रहते हो, क्या तुम एक रूम शेयर नहीं कर सकते। तो लुली कहती है कि हम लोग डाइवोर्स लेने ही वाले हैं, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रुकना चाहती। ये सुन के हावरन शॉक रह जाता है और उसे दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ येजियो को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, तो वो चिंगलियों से पूछता है कि तुमने उस मिठाई में ऐसा क्या मिलाया था, मुझे पसीना भी आ रहा है और मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो चिंगलियों उसे छेड़ते हुए कहती है कि वो मिठाई तो मैंने भी खाई थी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे पास हूँ इसलिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है और तुम्हें पसीना आ रहा है। तो इस पर येजियो कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, एक्सीडेंट सिर्फ एक बार ही होता है, अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो चिंगलियों उसके बेहद करीब आती है और उससे कहती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तो येजियो भी उसे कस के पकड़ लेता है। चिंगलियों बहुत खुश हो जाती है और समझने लगती है कि शायद येजियो को सब कुछ याद आ गया है। तो येजियो कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कोई हम पर नज़र रखे हुए है इसलिए हमें करीब आना होगा। तो चिंगलियों सोचती है कि ठीक है, अभी तो ये ड्रामा है लेकिन बहुत जल्द मैं इसे हकीकत में बदल दूँगी। इसके बाद चिंगलियों को पता नहीं क्या होता है, वो येजियो के बहुत करीब आती है और उसे अचानक से किस कर लेती है और काफ़ी देर तक वो दोनों इसी तरह रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ प्रिंसेस चिंगनिंग और लॉर्ड ली आ जाते हैं। उन दोनों को इस तरह देखकर चिंगनिंग बहुत नाराज़ होती है और कहती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ये तुम्हें अपने जाल में फंसा लेती, तुम मेरे बिना जिंगलिंग किंगडम अकेले क्यों आए। लेकिन प्रिंसेस चिंगनिंग की बातों को इग्नोर करते हुए चिंगलियो लॉर्ड ली से पूछती है कि आप इस बच्ची को लेकर यहाँ क्यों आए हैं। तो लॉर्ड ली कहता है कि हम लोगों को पता चला था कि जिंगले किंगडम में एंट्री बंद कर दी गई है, इसलिए हम तुम लोगों की मदद करने के लिए आए थे जिससे कि हम तुम्हें अंदर जाने के लिए पास दिलवा सकें, लेकिन हमें क्या पता था, तुम लोगों को तो हमारी मदद की ज़रूरत ही नहीं। इस पर की चिंगलियों कहती है कि अगर अब आप लोग आ ही गए हैं तो कल हम लोग साथ ही निकलेंगे, अब हमें जल्दी से जल्दी फायर थॉर्न फ्लावर्स को लेके टैनू किंगडम वापस जाना होगा जिससे कि हम प्लेग का इलाज कर सकें। तो लॉर्ड ली कहता है कि मैंने पता लगाया है, यहाँ पर फायर थॉर्न फ्लावर्स शूरा समुदाय के लोगों द्वारा बेचा जाता है, लेकिन एक और जगह है जहाँ से कि हमें ये फ्लावर मिल सकते हैं और वो है फैंगलिंग किंगडम, लेकिन उसके बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत ही ख़तरनाक जगह है और जो भी वहाँ जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। वहीं दूसरी ओर लुली अपना गुस्सा तलवार चला के निकाल रही होती है कि तभी वहाँ हावरन पहुँच जाता है। तो लुली उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो हावरन कहता है कि मैंने रात भर बहुत सोचा और मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे साथ सच में बहुत गंदा व्यवहार किया है और मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे साथ सिंसियर रहूँगा और हमेशा तुम्हारा अच्छा दोस्त बन के रहूँगा। तो लुली कहती है कि वाह, रात भर सोचने के बाद भी तुमने ये रिजल्ट निकाला है, एक्चुअली इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बेवकूफ़ मैं हूँ जो मैंने तुम जैसे इडियट से प्यार किया। और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये सभी लोग फैंगलिंग किंगडम के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर लुली और प्रिंसेस चिंगनिंग लड़ना शुरू कर देते हैं। तो येजियो उनको रोकते हुए कहता है कि अब हम लोग सही जगह पर पहुँच चुके हैं, इसलिए बचपना बंद करो और काम पर ध्यान दो। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि मैं अक्सर यहाँ शिकार करता रहता हूँ और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, जो भी यहाँ जाता है वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए आप लोग प्लीज़ आगे मत जाइए। लेकिन ये जी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं जा सकता, और वो आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी चले जाते हैं। अंदर की तरफ जाने पर घंटियों की आवाज़ आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लूट बजा रहा हो। ये सुन के चिंगलियों को एक खतरे का आभास होने लगता है और उसके सामने उसकी पास्ट लाइफ आ जाती है। ये सब एक मिस्ट्री जैसा लगता है। अचानक चिंगलियों को ऐसा फील होता है जैसे कोई उस पर अटैक करने आ रहा है और फ्लूट का साउंड भी बहुत तेज़ हो जाता है। चिंगलियों डर के मारे पीछे हटती ही है कि येजियो उसे पकड़ लेता है। चिंगलियों को उस साउंड से बचाने के लिए येजियो उसके कानों पर हाथ रख देता है। चिंगलियों एकदम से घबरा जाती है और बहुत कस के येजियो के गले लग जाती है। अगले सीन में वही आदमी जिसने इन लोगों को अंदर जाने से रोका था वो अपने मालिक के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वैली में 6 लोग आए हैं, 3 आदमी हैं और 3 औरतें हैं।
तो उसका मास्टर, जिसका कि चेहरा अभी नहीं दिखाया जाता, वो कहता है कि ये लोग साधारण नहीं हैं क्योंकि ये इतनी अंदर तक आ गए हैं, इसलिए इन पर नज़र रखो और पता लगाओ कि यहाँ इनका आने का क्या मकसद है। वहीं अगले सीन में ये सभी लोग रात में उसी जंगल में रुकने का प्लान बनाते हैं। चिंगलियो ल्यूली से पूछती है कि येजियो कहाँ है, तो ल्यूली बताती है कि येजियो और लॉर्डली साथ में ही हैं और रास्ता ढूंढने गए हैं। वहीं अगले सीन में लॉर्डली येजियो के सीने पर तलवार रखकर कहता है कि अब जबकि तुम किसी और लड़की से शादी करने जा रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम चिंगलियो से दूर रहो। तो येजियो कहता है कि इस बारे में तुम निश्चिंत रहो, मैं उससे दूर ही रहूँगा। तो लॉर्डली कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। इसके बाद रात को ये सभी लोग कैंप फायर करके बैठे होते हैं और चिंगलियो कुछ सोच रही होती है। उसकी नज़र ल्यूली और हाउरेन पर पड़ती है जो धीरे धीरे करीब आ रहे थे। तभी उसके पास येजियो आकर बैठ जाता है। फिर चिंगलियो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब चिंगलियो और येजियो अकेले होते हैं। चिंगलियो उसे कहती है कि कितनी खूबसूरत रात है ना, इस रात को देख के मुझे वो रात याद आ गई जब तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं? फिर चिंगलियो उसे एक सैशे देती है और कहती है कि इसमें मैंने बहुत ही स्पेशल दवाइयाँ भरी हुई हैं, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, ये सैशे तुम्हारी उस कमजोरी को दूर करेगा जिसमें तुम ब्लड देखकर डर जाते हो और बेहोश हो जाते हो। वहीं दूसरी ओर जब ल्यूली की आँख खुलती है तो वो येजियो और चिंगलियो को ढूंढने लगती है और वो और हाउरन उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें येजियो और चिंगलियो अकेले में बात करते हुए दिखाई देते हैं तो हाउरन कहता है कि हमें उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और दूर से ही उन्हें देखना चाहिए। चिंगलियो येजियो से कह रही होती है कि उस दिन जब तुम खाड़ी से गिर गए थे तो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, पर तुम्हारे रूम में मुझे ये मिला, क्या तुम्हें ये याद है? येजियो उस कार्ड को लेकर देखने लगता है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही मैरिज सर्टिफिकेट है जो उसने अपने और चिंगलियो के लिए बनाया था। तो चिंगलियो येजियो से पूछती है कि क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट अभी भी वैलिड है, तो ल्यूली हाउरन से कहती है कि देख लेना, येजियो अभी भी चिंगलियो से ही प्यार करेगा। तो चिंगलियो के इस सवाल पर येजियो अपना मुंह फेर लेता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे कहता है कि अब हम साथ नहीं हो सकते। तो चिंगलियो उससे कहती है, क्या तुम सच में उस प्रिंसेस चिंगलिंग से प्यार करते हो? मैं इस बात को नहीं मान सकती, तुम उससे कभी प्यार नहीं कर सकते, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो येजियो कहता है, क्योंकि मैंने उसके भाई प्रिंस चिंग हैंग से वादा किया है कि जब मैं यहाँ से फ्लावर्स लेकर लौटूंगा तो मैं उसकी बहन प्रिंसेस चिंगलिंग से शादी करूंगा। ये सुनकर ल्यूली को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है ये क्या बेवकूफ़ी है, और वो अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि आज मैं येजियो को जान से मार दूंगी, लेकिन हाउरन उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी बहुत जल्दबाजी मत करो। अब येजियो चिंगलियो को सच्चाई बता देता है कि उस दिन जब मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी तो उस रात के लिए मैं और चिंगलिंग साथ ही थे, क्योंकि मैंने उसके साथ एक रात गुजारी है इसलिए मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुनते ही चिंगलियो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है कि अगर यही बात है तो मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी, और वो येजियो की आंखों के सामने ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ देती है और कहती है कि आज से और अभी से मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। आज उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन येजियो भी अपने इस फैसले से खुश नहीं था। चिंगलियो के जाने के बाद वो उस फटे हुए सर्टिफिकेट को उठाता है और याद करने लगता है कि किस तरह वो और चिंगलियो पहली बार मिले थे और किस तरह उसको बचाने के लिए चिंगलियो ने अपने सीने पर तीर लिया था। आज येजियो की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे वो सभी लम्हे याद आने लगते हैं जो उसने चिंगलियो के साथ बिताए थे। और सब कुछ याद आने के बाद येजियो भी अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बहुत रोता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है जिस वजह से उसने अपने प्यार को खो दिया। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।